हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके ही एक सवाल का जवाब देने वाले हैं जो कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि मैडम, एमटीपी किट लेने के बाद हमको ब्लीडिंग 7 दिन हुई, 8 दिन हुई या फिर 10 दिन हुई, 15 दिन हुई, उसके बाद ब्लीडिंग हमको 4-5 दिन रुक गई और उसके 4-5 दिन रुकने के बाद हमको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। 2 दिन हो गए हमको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुए, 3 दिन हो गए लगातार ब्लीडिंग हमको हो रही है, तो क्या नॉर्मल है मैडम ये, या फिर हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कोई दवाई हमको लेनी चाहिए ब्लीडिंग को रोकने के लिए? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जानकारी आपको इससे मिलेगी। तो देखिए होता क्या है, जब हम एमटीपी किट लेते हैं तो अगर आपका अबॉर्शन कम्प्लीट हो जाता है, तो सपोज दैट आपको 10 दिन ब्लीडिंग हुई, किसी महिला को 12 दिन ब्लीडिंग हुई, 15 दिन ब्लीडिंग हुई, तो कई बार क्या होता है कि महिला को 15 दिन सपोज दैट ब्लीडिंग हुई, उसके बाद 5 दिन बीच में रुक गई या 4 दिन बीच में रुक गई, उसके बाद फिर शुरू हो गई ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग वहाँ पे देखना है कि आपको किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि आपको स्पॉटिंग में ब्लीडिंग हो रही है, 1 दिन ब्लीडिंग हो रही है, 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है, 3 दिन हो रही है, 4 दिन हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आपको हल्की फुल्की काफ़ी लाइट ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि क्लॉट है, एक आध छोटे छोटे क्लॉट हैं वो आ रहा है एक आध, या फिर हल्की स्पॉटिंग वाली ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। ये कुछ जो बचा कुचा पार्ट होता है आपके बच्चेदानी के मुंह में या फिर सर्विक्स एरिया में, तो वो सर्विक्स इरिटेशन होने के बाद वो बाहर निकलता है, या फिर जब आप संबंध है, इंटरकोर्स है, वो भी करना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे में जो थोड़ा बहुत ब्लड रुका हुआ होता है या फिर एक आध क्लॉट हम कह सकते हैं, हल्के फुल्के छोटे क्लॉट, बड़े क्लॉट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, तो वो जो है हमारा निकलता है। जैसे 5 दिन ब्लीडिंग बंद हो गई, 15 दिन होने के बाद 5 दिन ब्लीडिंग बंद हो गई, उसके बाद जो है हल्का फुल्का निकलना नॉर्मल है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि जैसे आपने दवाई पहले ली थी, एमटीपी किट ली थी, उसके बाद जैसी ब्लीडिंग हुई थी आपको, आपको पैड लेने की आवश्यकता हो रही है, इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ आपको पेन होना, ये चीज़ भी आप ज़रूर नोटिस करें, अगर आपको इसके साथ क्रैम्पिंग भी हो रही है, पेन भी हो रहा है, तो यहाँ पे आप ज़रूर डॉक्टर को नोटिस करें ज़रूर किस तरह का हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कई बार जो है जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो ये ब्लीडिंग को कॉज करा सकता है, कोई पार्ट अंदर रह जाते हैं, मटेरियल अंदर रह जाता है, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग को ये कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, जिससे कि पता लग सके कि जो यूट्रस है वो साफ़ अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ होता है, अगर 1 दिन ब्लीडिंग हो रही है, हल्की स्पॉटिंग में हो रही है, या फिर थोड़ी बहुत आपको ब्लीडिंग हो रही है, एक आध क्लॉट आ रहे हैं छोटे मोटे, तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है। उसके बाद देखना ये है कि बंद हो जाए ब्लीडिंग, अगर नई ब्लीडिंग बंद हो रही है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो वहाँ पे आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो वहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड होगा, जिससे कि पता लगाए जाएगा कि आपका यूट्रस जो है वो अच्छे से साफ हुआ है या नहीं, कुछ पार्ट अंदर तो नहीं रह गए हैं, तो ये चीज़ आपके इन्फेक्शन को जो है पैदा कर सकते हैं, जो अगर पार्ट अंदर रह गया है, कुछ भी मटेरियल अंदर रह गया है बच्चे का, तो उससे ये बच्चेदानी में इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं और कंटिन्यू ब्लीडिंग को कॉज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सफाई करने की आवश्यकता होती है, डीएनसी की आवश्यकता पड़ सकती है अगर कोई मटेरियल अंदर रह गया होगा तो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि कुछ महिलाओं में क्या होता है कि 15 दिन ब्लीडिंग हुई या फिर 10 दिन ब्लीडिंग हुई, इसके बाद 5 दिन बंद हो गई या फिर 4 दिन बंद हो के फिर से शुरू हो गई ब्लीडिंग। तो अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी ब्लीडिंग जो है हल्की फुल्की हो रही है, एक आध क्लॉट आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ये आपके हल्का फुल्का बचा हुआ जो ब्लड होता है बच्चेदानी के मुंह में वो निकलता है। और अगर आपको ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, रुक भी नहीं रही है और पहले की तरह हो रही है, और साथ में दर्द भी हो रहा है आपके पेट के निचले हिस्से में, क्रैम्पिंग हो रही है, तो वहाँ पे आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि बच्चेदानी अच्छे से साफ ना हुई हो, तो वहाँ पे डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन हिट करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
और भी कोई डाउट है, सवाल है, तो नीचे हमें कमेंट में लिखिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।